एक पछतावा जो हर किसी को कभी ना कभी परेशान करता ही है कि वक्त तो निकल गया, मैंने कुछ किया नहीं, या जितना मैं कर सकता था उतना अपनी नजरों में या दुनिया की नजरों में हमने नहीं किया। इसी नेगेटिविटी के धुंध में कुछ अच्छी चीजें जो होने वाली हैं उसकी भी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं लोग। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। तुम्हें तो याद होगा वो पाकिस्तान और इंडिया का पहला T20 कप वाला मैच, जिसमें अपने दम पे विराट कोहली साहब ने मैच को पलट दिया था। उसमें क्या हुआ था, जहां तक मुझे याद है कि जब विराट कोहली साहब आते हैं और शुरुआत के 21 गेंदों तक वो मात्र 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तो मैं भी मैच देख रहा था तो मेरे आसपास के बैठे लोग ये बोल रहे हैं कि यार ये कोहली क्या कर रहा है, इस पे तो पूरा मैच टिका है और ये टेस्ट खेल रहा है, ये बातें सुनने को मिल रही थी मुझे। लेकिन अंत में क्या हुआ, हर किसी को पता है, अंत में वही बुराई करने वाले लोग, कोहली को सिखाने वाले लोग उठ के ताली बजा रहे हैं कि इंडिया जीत गई, कोहली की तारीफ हो रही है, कोहली की वाहवाही लूटी जा रही है कि यार बहुत ही अच्छा किया उसने। लेकिन यही लोग शुरुआत के 21 गेंदों तक कोहली को गलत ठहरा रहे थे। बात को समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? शुरुआत हो सकता है सही ना हो तुम्हारे गोल के हिसाब से, उतने बड़े लक्ष्य के हिसाब से कोहली साहब की शुरुआती 2-4 ओवर नहीं थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शुरुआती स्थिति सही नहीं है तो बाद की स्थिति भी सही नहीं होगी, क्योंकि उसका कंट्रोल अभी भी तुम्हारे हाथ में है। तो मेरे भाई, तुम्हारा जो वक्त निकला है, जो भी डेस्टिनेशन तुम्हें तय करनी है, जहां पे भी तुम्हें पहुंचना है, जो कर दिया कर दिया, उसका लोड लेके बैठे रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन अभी से अपनी स्पीड बढ़ाओ, अपनी योग्यता बढ़ाओ, जिस चीजों की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने का प्रयास करो, तो तुम्हारी स्थिति गारंटेड है इस अवस्था से बेहतर हो जाएगी, और वो काफी है कि नहीं। अगर कोहली साहब ही उस बड़े लक्ष्य को देख के ये सोचते कि अगर मैं 21 गेंदों पे केवल 12 रन बना पाया हूं तो मैं क्या खाक जिताऊंगा मैच को, तो खाक हो जाते उस मैच में, उनके लिए तालियां नहीं बजती अंत में। कहने का मतलब, मैदान तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हार नहीं गए या जीत नहीं गए। तुम्हारी शुरुआत की कुछ एक गलतियां तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा दिशा थोड़ी निर्धारित करनी चाहिए, तुम कभी भी सही ट्रैक पर आ सकते हो। यहां तो बस मैंने क्रिकेट का उदाहरण दिया ना, जो कि केवल 20 ओवरों का था। तुम्हारी जिंदगी केवल 20 ओवरों की नहीं है, तुम जब भी सही ट्रैक पे आ गए तो सही है। तो मेरा कहने का मतलब, इस पूरी वीडियो का सार यही है कि पुरानी गलतियों को लेके बैठे मत रहो, पुरानी गलतियों को खुद पर हावी मत होने दो कि तुम कुछ अच्छा सोच ही ना पाओ, तुम कुछ अच्छा कर ही ना पाओ, भविष्य में बेहतर बनने की संभावनाओं को मार दो। ऐसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है मेरे भाई, और तुम सही ट्रैक पे आके लाइफ को सही दिशा दे सकते हो। मुझे उम्मीद है मेरी बातें समझ आ गई होंगी, और तुम जरूर अपनी पुरानी गलतियों का बोझा नहीं ढोगे, बल्कि उनको नीचे रखोगे और आज से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करोगे सही ट्रैक पे जाने के लिए, ताकि तुम सही मंजिल तक पहुंच सको। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे।